अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज राय मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ सो चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द टॉपिक इज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर लास्ट लेक्चर में हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था आज हम स्टडी करेंगे सीरीज कंबिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज में अरेंज्ड हैं और हमने इसे फर्दर कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ जो आपका फर्स्ट कैपेसिटर होता है उसके पॉजिटिव प्लेट को आपने ज्वाइन करना है पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ सिमिलरली बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको लास्ट कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है उसके साथ आपने ज्वाइन कर देना होता है Clear? अब हमने कैपेसिटर्स को सीरीज में अरेंज कर लिया Now the question is कि हम कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज कर क्यों रहे हैं बिकॉज जहां पर कैपेसिटेंस आपको कम रिक्वायर्ड होती है वहां पर कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज किया जाता है क्लियर अब हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि सीरीज में अरेंज करने से किस तरह कैपेसिटेंस कम हो जाती है सो एज वी नो कि जब सीरीज में करंट फ्लो करता है तो करंट सीरीज में सेम रहता है और सीरीज में वोल्टेजेस डिवाइड हो जाते हैं ओके यू मस्ट कैप्ट इन माइंड के सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेजेस डिफरेंट दिवर्ट हो जाते हैं सो so, हम लिख सकते हैं द फर्स्ट पॉइंट एज इन सीरीज charge across each capacitor remains same so i can write as q1 is equals to q2 is equals to q3 and it is equals to q बैटरी जो क्यू चार्जेस सप्लाई कर रही है वही क्यू चार्जेस जो हैं वो आपके जाकर इसमें, suppose, इसमें आ हैं, और सिमिलरली इसमें क्यू थ्री चार्जेस आ गए okay? इस तरह से चार्जेस जो है वो इन कपैसिटर में सेम रहते हैं बिकॉज सीरीज में करंट सेम रहता है चार्जेस जो है वो में सेम रहेंगे क्लियर

डिफरेंट होगा ओके सो द सेकेंड पॉइंट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कपैस्टर Will be different due to different capacitance capacitance of capacitors. क्लियर? सो so, अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है दैट्स मीन जो वी वोल्टेज बैटरी से सप्लाई हो रहे हैं वो कुछ वोल्टेजेस जो हैं, वो यहां पर आकर डिवाइड हो जाएंगे लेट्स सपोज के वी वोल्टन वोल्टेज यहां पर डिवाइड हो गए वी टू वोल्टेज यहां पर डिवाइड हो गए और वी थ्री वोल्टेजेस यहां पर डिवाइड हो गए हैं सो द टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी The total voltages supplied by the battery is divided among different capacitors. So, अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो चुका है दैट्स so मीन जो V वोल्टेजेस यहां से सप्लाई हो रहे थे कुछ वोल्टेजेस V1 वन यहां पर ड्रॉप हो जाएंगे सिमिलरली V2 टू यहां पर ड्रॉप हो जाएंगे और V3 जो है वो यहां पर ड्रॉप हो जाएंगे सो द स्टेटमेंट इज V इज इक्वल्स टू V1 plus V2 plus V3 And एंड एज that स्टड q is equals to cv that Q is equals to cv ab अब अगर se से आप वोल्टेज की वैल्यू निकालें तो, तो C यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस जगह आकर डिवाइड हो जाएगा so V is equals to Q over C अब हम V की वैल्यू जो है q over ओवर वो हम रिप्लेस कर देते हैं वन by वन लाइक like ज इट इज आ जाएगा नो वी वन वी वन इज क्यू वन और सी वन सिमिलरली वी टू दैट इज इक्वल टू क्यू टू डिवाइडेड बाय सी टू एंड सिमिलरली दैट इज क्यू थ्री डिवाइडेड बाय सी थ्री ओके सो एज वी स्टार्ट दैट क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री दैट आर इक्वल टू क्यू दैट क्यू वन

थ्री अब क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे, तो इस पर आकर ये क्यू डिवाइड हो जाएगा सो वी ओवर क्यूज सी वन प्लस में अरेंज थे तो हमने एक सीरीज में अरेंज करके एक एक्सप्रेशन डिवेलप कर लिया अब क्योंकि सीरीज में जो कैपेसिटर अरेंज है उन हर कैपेसिटर के डिफरेंट कैपेसिटेंस है अब इन डिफरेंट कैपेसिटेंस जो इक्वल आ रही है वी ओवर क्यू के तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेलन कैपेसिटेंस के साथ सो कैपेसिटेंस वी ओवर क्यू दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वन बाय सी ओके बिकॉज एज वी नो जैसे कि आप देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी है सो लेट सपोज दैट C इज इक्वल टू Q ओवर V। अब अगर हम इसको इन्वर्स करेंगे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा वन ओवर सी इज इक्वल टू वी ओवर क्यू क्लियर सो वी ओवर क्यू को मैंने रिप्लेस कर दिया वन ओवर सी इक्वल एंड से एंड दैट इज इक्वल टू वन बाय सी वन प्लस वन बाय सी टू प्लस वन बाय सी थ्री तो इस तरह से आप इन तीन कैपेसिटेंस को सीरीज में अरेंज करेंगे तो ये फाइनल एक्सप्रेशन डेवलप हो जाएगा अब यहां पर से तीन कैपेसिटर्स थे तो आपने सीरीज में अरेंज करके एक एक्सप्रेशन डेवलप करवा लिया नाउ इन केस ऑफ एन कैपेसिटर्स लेट्स सपोज के कहीं ऐसा कोई केस है जिसमें एन कैपेसिटर्स सीरीज में अरेंज हैं, तो उसमें एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा दैट इज इन सीरीज सो दीवल इज इक्वल टू वन ओवर सी वन cn क्लियर तो इस तरह से कैपेसिटर्स जो हैं वो एन कैपेसिटर अगर हम अरेंज करते हैं किसी भी सर्किट में ये हमने एक जनरल एक्सप्रेशन डेवलप करवा लिया अगर किसी केस में एन कैपेसिटर्स अरेंज्ड हैं सीरीज में क्लियर ये आपको समझ आ गया होगा अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल दी गई है एग्जाम्पल नंबर तो हम डिस्कस करते हैं। अरेंज इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू बैटरी ऑफ सिक्स वोल्ट वेर वन माइक्रोफेराइट इज इक्वल टू टेन पावर माइनस सिक्स फेराइड फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन

हमसे कहा गया है ए पार्ट में फाइंड द टोटल कैपेसिटन्स ऑफ द सीरीज कंबिनेशन तो आपने सीरीज कंबिनेशन की टोटल कैपेसिटन्स फाइंड करनी है इन सीरीज कंबिनेशन दिस इज द ए पार्ट The total combination, total capacitance of series combination. So, as we know, that one over C equivalent. इज इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री इसमें वैल्यू स्पोर्ट करें वन ओवर सी इक्वल एंड इज इक्वल टू वन ओवर थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस सिक्स फेरेड सिमिलरली वन ओवर सी टू सी टू की वैल्यू है फोर मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस सिक्स फेरेड एंड सिमिलरली वन ओवर फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन दावर माइनस सिक्स फेरड क्लियर? जब इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो फाइनली आपके पास सी इक्वेल एंड का आंसर आ जाएगा दू वन पॉइंट थ्री माइक्रोफेर क्लियर इस तरह से ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हो गया ओके नाउ बी पार्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच अब चार्ज की क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है अक्रॉस ईच कैपेसिटर मतलब के हर कैपेसिटर के अक्रॉस आपने चार्ज की क्वांटिटी फाइंड करनी है सो द बी पार्ट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर So as we know, the formula that is Q is equals to C V. So let's suppose C capacitor की जो value है हमारे पास वो हम use करेंगे यहाँ पे C equivalent capacitance because series में to charge होता है वो same होता है across every capacitor. So that's why हम इसमें C equivalent use करेंगे जो कि हमने अभी find out किया that is मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर माइनस सिक्सरली वी वी इज द वोल्टेज दैट इज सिक्स वोल्ड तो यहां पर हम कपैसन कौन से यूज कर रहे हैं मैं मैं देता हूं दैट इज सी इक्वेलेंट कपैसन जो हमने अभी फाइंड की दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री माइक्रो फेराइड तो वही वैल्यू हम यूज करेंगे और साथ वोल्टेज वी दैट इज सिक्स वोल्ड इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा सेवन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय टेन दावर माइनस सिक्स कूलम सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से सेवन पॉइंट एट माइक्रोकूल क्लियर तो इस तरह से हम चार्ज क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अब फर्दर क्योंकि कैपेसिटर जो हैं वो है वो so सीरीज में कंबाइन है सो दैट मीन्स कि सीरीज में चार्जेस सेम होते हैं सो so हम यहां लिख सकते हैं सो द चार्ज सो द चार्ज

एज वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी वी सो हम इस फॉर्मूले को अगर हम इस तरह से चेंज कर लेक कू इज इक्वल टू सी वी लेट अगर हम यहाँ पे वी रिक्वायर्ड है तो सी इधर आके डिवाइड हो जाएगा सो वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी सो द वोल्टेज अक्रॉस कपैसटर वन दोल्टेज क्रॉस कपैसटर वन दैट इज वी वन इज इक्वल टू क्यू और सी वन इसमें वैल्यूज प्रोट करें क्यू की वैल्यू है आपके पास दैट इज सेवन पॉइंट एट मल्टीप्लाय बाय टेन टू द पावर माइनस सिक्स कुलम सिमिलरली सी वन कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास थ्री थ्री माइक्रो फेराड दैट मींस थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन इज पावर माइनस सिक्स फेराड ओके सो इसको फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टू पॉइंट सिक्स वोल्ट ओके सिमिलरली सेकेंड द वोल्टेज अक्रॉस टू दैट इज वी टू इज इक्वलू बाई सी टू सो क्यू की वैल्यू है सेवन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बायर माइनस सिक्सरली टू कपैसे फोर माइक्रोफेरेट सो फोर मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस सिक्स इसको फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा वन पॉइंट नाइन फाइव फोल्ड क्लियर सिमिलरली थर्ड कैपैसिटर दोल्टेज अक्रॉस कपैसिटर थ्री सो वी थ्री इज इक्वल टू क्यू बाय सी थ्री वैल्यू स्प्रोट करें इसमें क्यू की वैल्यू सेवन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय टेन्स पावर माइनस सिक्स ली सी थ्रीटेंस की वैल्यू ऑफ़ फाइव मल्टीप्लाई जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1.56 वोल्ट क्लियर सो आई होप एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज